एप्पल. यश. बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल गिव मी. यश. प्रिशा. शी फॉर कैट गिव मी. आज इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करूंगी कि आप बेबी को नर्सरी में एडमिशन करवाने से पहले आप अपने घर पे बेबी को क्या क्या प्रिपेयर करवा सकते हैं जिससे आपका बेबी स्कूल के लिए प्रिपेयर हो जाए. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ प्रीति. आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मे बी ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा. तो फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं जैसे ही मेरा बेबी 2 साल का हो जाता है या 2.5 साल का होने वाला रहता है या 3 साल का होने वाला रहता है. तो हम पेरेंट्स बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि अब बेबी को मुझे क्या पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए. कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि आपको बेबी को कैसे पढ़ा. फ्रेंड्स, अभी सारे स्कूल लॉकडाउन की वजह से बंद है और अभी प्लेवे में तो बेबी को आप भेज नहीं सकते. तो आप बेबी को अगर प्लेवे में भेज नहीं सकते, में नहीं भेजना पड़े और आप डायरेक्ट नर्सरी में एडमिशन बेबी को करवा सकते. तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा. ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आपको ये पता है कि जो बेबी को हम लोग जब भी स्कूल भेजते हैं तो सबसे पहले प्लेवे में भेजते हैं, इसके बाद बेबी को नर्सरी में एडमिशन होता है. तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्लेवे यहाँ पे होता है और नर्सरी यहाँ पे होता है. तो जब बेबी पहले सीढ़ी पे ही नहीं चढ़ा तो सेकेंड वाली सीढ़ी पे कैसे चढ़ेगा. तो सबसे पहले हम लोगों प्लेवे में एडमिशन करवाते हैं, इसके बाद नर्सरी में एडमिशन करवाते हैं. तो आप लॉकडाउन की वजह से अगर इसमें प्लेवे में आप एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं तो आप इस लेवल का घर पे ही तैयारी करवा सकते हैं बेबी को, जिससे ये जो सेकेंड वाली सीढ़ी नर्सरी में हमको बेबी को एडमिशन करवाना पड़ेगा तो उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना हो और आराम से ये सीढ़ी बिना जाए ही सीढ़ी पे एडमिशन हो जाए. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है रीडिंग स्टोरीज. बेबी को स्टोरी सुनाना जितना अर्ली स्टार्ट कर देंगे उतना ही बेस्ट होगा बेबी के लिए. आपने ये भी देखा होगा कि जब आप बेबी को स्टोरी सुना रहे हैं तो बेबी बहुत इंजॉय करता है, बेबी को बहुत मज़ा आता है और उस ड्यूरिंग बेबी बहुत कुछ रिमेम्बर भी करता है. तो स्टोरी बेबी के लिए बहुत अच्छा है. आप बहुत तरह की स्टोरी बेबी को सुना सकते हैं. आप मोरल टाइप की भी स्टोरी बेबी को सुना सकते हैं जिससे बेबी बहुत मेमोराइज होगा. एक होममेड फ्लैश कार्ड बनाया है जो बेबी के लिए बहुत बेस्ट है. तो बीच बीच में बहुत सारे आपको ऐसे क्लिप्स दिखाऊंगी जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और बेबी भी इस फ्लैश कार्ड के साथ बहुत एंजॉय किया. मम्मा को ए फॉर एप्पल दे दो. ए फॉर एप्पल. यश. बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल गिव मी. यश. प्रिशा. शी फॉर कैट गिव मी. सी फॉर कैट गिव मी. यस. प्रिशा. डी फॉर डॉग गिव मी. यस. प्रिशा. ई फॉर एलिफेंट. यस. वेल डन. यस. फ्लैश कार्ड से बेबी जल्दी मेमोराइज होता है. तो आप भी अपने बेबी के लिए इस तरह का फ्लैश कार्ड बना सकते हैं जो बेबी के लिए बेस्ट होगा और बेबी बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा. नेक्स्ट है फ्री प्ले. बेबी को इनकरेज करता है. फ्री प्ले बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है. फ्री प्ले का मतलब होता है इसमें बेबी को प्ले के लिए लिमिट नहीं करना. बेबी को कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे बेबी कुछ बिल्ड करे, कुछ सीखे. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिससे बेबी बहुत कुछ कर सकता है. इसमें बेबी कुछ भी बिल्ड कर सकता है, मतलब छोटा मोटा बना सकता है, कलर भी बता सकता है और आपको शेप्स भी बता सकता है. तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्री प्ले. बेबी को कुछ भी बनाने के लिए इनकरेज कीजिए. उनको घर के सारे चीज़ों के बारे में बताइए और शेयरिंग करना सिखाइए, केयरिंग करना सिखाइए. इस तरह से आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं स्कूल जाने से पहले. और जब बच्चा स्कूल जाएगा और सारा कुछ पता रहेगा तो बेबी इनकरेज फील करेगा, अपने आप को प्राउड फील करेगा. उसे लगेगा कि मुझे तो ये चीज़ बहुत पहले से आता है. तो बेबी को आपको इस तरह का चीज़ हमेशा बताना चाहिए, बेसिस चीज़ें हमेशा सिखाते रहिए.
है प्लेइंग टॉयज। बेबी के लिए प्लेइंग टॉयज बहुत अच्छा होता है, बहुत बेस्ट माना जाता है। आपने प्ले स्कूल में देखा होगा कि बेबी के प्ले के लिए बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टॉयज रखे जाते हैं, जिससे बेबी बहुत इंजॉय के साथ खेलता है और बेबी को बहुत मज़ा आता है। तो इसकी भी क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी इस वीडियो में, और बहुत ही मज़ा आएगा बेबी के साथ इस तरह के टॉयज रखेंगे और बेबी बहुत इंजॉय करेगी इसके साथ। यस यस, और गुआवा प्रिशा, गुआवा यस। तो फ्रेंड्स, साथ में आपने ये भी देखा कि मैं प्रिशा के साथ कितने अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ, और इस ड्यूरिंग प्रिशा बहुत कुछ सीख जाती है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा और आपके बेबी के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं बेबी को तरह से पढ़ाती हूँ अपने घर पे, और वो जो आप मेरी बेबी को दे रहे हैं, अभी ज़्यादा एज इसका नहीं हुआ, बस 2 साल 4 महीने की हुई है, बट इसे बहुत कुछ अभी इस एज में आ गया है। क्योंकि आप बेबी को किसी भी टाइम में बेबी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रिशा को जब भी उसके साथ उसको खिलाती हूँ, उसको बात देती हूँ, मतलब उसके साथ कुछ भी करती हूँ, तो मैं हमेशा उसके साथ टॉकिंग करते रहती हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में बताते रहती हूँ, जिससे बेबी क्या होता है कि अच्छे से इंट्रोड्यूस होता है। और हमेशा मैंने अपनी बेटी पर ये भी देखा कि मैं जब उसको सारा चीज़ बता देती हूँ तो वो पूछती है, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, वो तब ब्रेन में एक सेट हो जाता है कि मतलब ये क्या है। हमेशा वो रिमेम्बर करती है, मतलब वो एक तरह से कॉपी करती है, वो पूछती है कि मम्मा ये क्या है। तो इससे बेबी का जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से डेवलप करता है। तो आप घर में जितने भी सामान होते हैं वो सारे चीज़ों को एक एक करके आप बताते रहिए, और हमेशा आप अपने बेबी के साथ टॉकिंग करते रहिए, जिससे आपके साथ उसकी बॉन्डिंग भी जो है वो स्ट्रांग होगी, और बेबी को भी बहुत मज़ा आता है अपनी मम्मा के साथ टॉकिंग करने में, और उस टॉकिंग के दौरान बेबी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे तो अपने बेबी के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेबी सबसे आगे निकले। तो आप इसके लिए बचपन से ही स्टार्ट कर दें, आपका बेबी जैसे ही प्रिपेयर होता है स्टडी के लिए तो आप स्टार्ट कर दें। आप जितना अच्छे से टाइम पे अगर अर्ली स्टार्ट अगर करते हैं तो बेबी आपका बहुत, उसका बुक, बहुत सारे बुक आते हैं, और जितना भी मैं आपको स्टोरी बुक बताई और जितने भी टॉयज वगैरह जो भी मैं आप लोगों को दिखाई और बताई, वो सारे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। और ये जो आप फ्लैश कार्ड देख रहे हैं, ये मैंने होममेड फ्लैश कार्ड बनाया है, ये बहुत ही बढ़िया है बेबी के लिए, आप भी बनाओ। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो, सारे चीज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो प्लीज़, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर से ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। इस तरह की बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहूँगी, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अपने बेबी को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो प्लीज़, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट